और आपकी चरण धूलि माथे पर लगाना आवश्यक समझा। यहाँ से लौटने के बाद ही मंत्री का पद ग्रहण करूँगा। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। किस्सा भूमियाधार का है। महाराज जी वहीं ठहरे हुए थे। सब लोगों ने शाम का भोजन किया और 10:30 बजे तक करीब सब लोग सो भी गए। रात को 1 बजे महाराज जी ने शोर मचाया कि मुझे जोर से भूख लगी है और मेरी दाल और चपाती खाने की इच्छा है। महाराज जी को सेवादार ने स्मरण कराया कि आप तो पहले ही भोजन कर चुके हैं, परंतु महाराज जी नहीं माने और उन्होंने कहा कि मैं दाल और चपाती खाऊंगा। ऐसे महापुरुषों का रंग ढंग कम ही समझ में आता है। फिर सेवादार ने ब्रह्मचारी बाबा जी को उठाया, उसने आग जलाई, तब खाना बनाया। 2 बज चुके थे। महाराज जी ने भोजन किया और आश्रम के लोग उन्हें देखते रहे। दूसरे दिन सुबह 11 बजे के लगभग एक तार आया जिसमें लिखा था कि महाराज जी ने अमुक भक्त का रात को 2 बजे निधन हो गया है। जब यह तार महाराज जी को सुनाया गया तो उन्होंने कहा, देखा, मैंने रात को चपाती और दाल क्यों खाई थी। कुछ दिन बाद महाराज जी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा, मरते समय मेरे भक्त की इच्छा दाल और चपाती खाने की थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा यह भक्त इच्छा लिए हुए प्राण त्यागे। एक दिन एक साधारण व्यक्ति अपनी मुराद पूरी करने के उद्देश्य से महाराज जी के पास आया था। वह मंत्री बनना चाहता था। महाराज जी ने कहा, आप मंत्री बन जाएंगे, यह प्रसाद ले जाओ। इस घटना के कई वर्ष बाद एक दिन महाराज जी कैंची आश्रम में घंटों समाधि लगाए हुए बैठे थे। महाराज जी का एक भक्त भी उनके पास बैठा हुआ था। फिर एकाएक उन्होंने आंखें खोली, किसी का नाम लेकर जोर से पुकारा। 15 मिनट बाद एक कार कैंची आश्रम के द्वार पर पहुंची। उस कार पर तिरंगा फहरा रहा था। महाराज जी ने अपने भक्त से कहा कि पहले उसे प्रसाद दे दो, फिर उसे अंदर बुलाओ। प्रसाद पाने के बाद वह व्यक्ति अंदर आया। उसने कहा, महाराज जी, मैं एक बार पहले भी आपके पास आया था। आपने हमसे कहा था कि मैं मंत्री बनूंगा। अब मैं मंत्री बन गया हूँ। आपकी कृपा से यह संभव हुआ है। पद ग्रहण करने से पहले मैंने आपके दर्शन करना और आपकी चरण धूलि माथे पर लगाना आवश्यक समझा। यहाँ से लौटने के बाद ही मंत्री का पद ग्रहण करूँगा। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की
जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात नटारो ते बन आनी करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम।